किसी भी चीज की अति अक्सर नुकसानदेह होता है, चाहे वो दर्द हो या उसका दवा हो। एक नए शोध के मुताबिक ज्यादा दर्दनाशक लेने से दिल की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं, जिससे हार्ट फेल होने की आशंका बढ़ जाती है, जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। पेन किलर से सावधान, बिगड़ सकती है धड़कनें, हो सकता है हार्ट अटैक। शरीर में दर्द है, पेन किलर ले लिया। सर भारी है, पेन किलर खा लिया। कोई भी तकलीफ हो, दर्दनाशक दवाई लेना आम बात हो गई है। मतलब पेन किलर के बिना लोग कोई भी इलाज अधूरा समझते हैं। लेकिन अब सावधान हो जाइए, क्योंकि पेन किलर्स दवाएं आपको कभी भी एक बड़ा पेन दे सकता है, हार्ट अटैक का पेन। यहाँ डेनमार्क में हुए एक सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक पेन किलर खाने वाले 1000 लोगों में से 7 लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया था, यानी उनके दिल की धड़कने का रिदम बिगड़ गया था, और ये हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। ओवरऑल अगर आप स्टडी करते, मतलब सब पेन किलर्स को अगर आप इंक्लूड करते, तो इतना तो हमको डेफिनेटली मालूम है कि अगर हार्ट अटैक के पेशेंट्स या हार्ट फेलियर, जिसका हार्ट का पंपिंग वीक है, अगर वो कौन सा भी पेन किलर लेते, सो देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक अगेन, रिस्क ऑफ हैविंग अ पैरालिटिक अटैक एंड रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट फेलियर या दमा, जिसको बोलते हैं हार्ट वीकनेस की वजह से, दैट बिकम्स मोर। डॉक्टरों के मुताबिक अगर बहुत जरूरी हो तभी पेन किलर खाया जाए, क्योंकि पेन किलर दूसरी कई बीमारियों को पैदा कर सकता है। धड़कन की बीमारी होने का ज्यादा रिस्क था, अभी ये रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स अगर समझो 1000 पेशेंट्स को दिया, तो उसमें से 7 पेशेंट्स को ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। सुना सर्वे के आंकड़े और डॉक्टरों की सलाह पर गौर करते हुए अब ऐसी सावधानी बरतनी शुरू कर दीजिए, और थोड़ी थोड़ी खाया करो कि तर्ज पर इन दर्दनाशक दवाओं का इस्तेमाल कीजिए। अगर ऐसी सावधानियां नहीं बरते तो आपको आपका दिल कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए सुनिए आपके दिल की। उर्वशी खोना के साथ TV9 रिपोर्ट।